Hi guys, welcome to Ritsa tutorial. Today we will discuss about your digestive system. So what is digestive system? Basically the digestive system involved in the breakdown of food to make it available for absorption. ये वो सिस्टम है जो इन्वॉल्व होते हैं फूड की ब्रेकडाउन में और वो अवेलेबल बनाते हैं फूड को एब्जॉर्प्शन के लिए. कलेक्टिव नाम दे डिस्क्राइब एलिमेंट्री कैनाल, इसको कलेक्टिव नाम दिया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं इसको. एसेस्ट्री ऑर्गन एंड वराइटी या प्रोसेस, इसमें एसेस्ट्री ऑर्गन भी डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं और कई तरह के प्रोसेस भी अकर होती है. प्रिपेयर फूड फॉर एब्जॉर्प्शन, फूड को इस काबिल बनाते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर सकें. एलिमेंट्री कैनाल बिगन एट मूथ जो एलिमेंट्री के सिस्टम है वो कैनाल है वो स्टार्ट होते हैं मूथ से, पास थोरिक्स एब्डोमेन एंड पेल्विस एंड एट एनस, और ये पास हो जाता है थोरिक्स और एब्डोमेन पेल्विस एंड एनस इसका एंडिंग पॉइंट है. डाइजेस्टिव प्रोसेस ग्रेजुअली ब्रेक डाउन द फूड, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता फूड की ब्रेक डाउन करते हैं. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की बात करें तो इसमें चार पांच प्रोसेस है थ्रू विच द फूड इज मेक अवेलेबल फॉर डाइजेशन. सो ओवरऑल द डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म सिक्स बेसिक प्रोसेस, इसमें से सिक्स बेसिक प्रोसेस है. सबसे पहले इंजेशन है. इंजेशन इसमें ये फूड की टेक और जो लिक्विड और फूड होते हैं उसको हम सबसे पहले मूथ में लेते हैं. इसके बाद सेक्रीशन प्रोसेस है जो वाला आप हमारे जीआईटी जो ट्रैक है और जो एसएसटी डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो सेक्रीशन करते हैं. वो सेक्रीशन जो टोटली 7 लीटर सेक्रीशन जिसमें हार्मोन एंजाइम वगैरह वो रिलीज करते हैं ताकि फूड की ब्रेक डाउन कर सकें. मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, जो जीआईटी में जो भी मसल है उसके समूद मसल है उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड की मिक्सिंग हो जाती है और वो जो समूद मसल है उसमें से सेक्रेटिंग सेल होते हैं वो एंजाइम वगैरह रिलीज़ करते हैं ताकि फूड को ब्रेक डाउन भी कर सके और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से उन फूड को ब्रेक डाउन भी हो जाए और फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड भी कर सके. पर्पल देन टूअर्ड्स द एनस बाय द सेलिवरी ग्रैंड, और उसको एनस की तरफ धकेले जाते हैं थ्रू सेलिवरी ग्रैंड के थ्रू, यानी थ्रोट पे पाए जाते हैं सेलिवरी ग्रैंड. तो मुंह में जब आया उसके बाद हमने आगे ओरल कैविटी एवेलेबल कर टू थ्रू एसोफेगस से स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर इंटेस्टाइन देन एनस. डाइजेशन मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ब्रेक डाउन, इसमें डाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक मैकेनिकल होते हैं एक केमिकल डाइजेशन होते हैं. मैकेनिकल डाइजेशन में ये कटिंग और ग्रीडिंग फूड बिफोर इट सिवॉल, इसमें फूड को कट किया जाता है और उसको ग्रीड किया जाता है उसकी ब्रेक डाउन से उसको सिवॉल करने से पहले. स्टोमक और इंटेस्टाइन चैम द फूड, यानी उसमें से मिक्सिंग किया जाता है स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें कंट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से फूड मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं थोड़े पर छोटे छोटे पार्टिकल में और इसकी एब्जॉर्प्शन होती है. केमिकल डाइजेशन इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं. एब्जॉर्प्शन में बेसिकली जो फूड प्रोडक्ट जो डाइजेशन की प्रोडक्ट बने हैं ब्रेक डाउन की वजह से, जो लार्ज पार्टिकल थे उसको ब्रेक डाउन करके छोटे पार्टिकल में बढ़ जो प्रोडक्ट बने हैं उसको एब्जॉर्प्शन उसकी एंट्री हो जाती है इनसाइड दी फ्राम क्या जो जीआईटी जो कैनाल है उससे इनसाइड दी बॉडी इनसाइड दी सेल उसकी एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस है. वो एपिथेलियल जो सेल होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कैनाल में उसको क्रॉस करके इनसाइड ब्लड ब्लड वेसल में एंट्री हो जाते हैं जो प्रोडक्ट बन जाते हैं.
डिफिकेशन जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो गया, उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो गया, वो सब्सटेंस को इस जर्नी में जो बच जाते हैं उसको बॉडी से डिफिकेट यानी उससे निकाल दिया जाता है थ्रू किसके, एनस के। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हैव अ ब्लेस्ड डे। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।